नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। देश में लागू होने वाली नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शिक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला किया है और वो ये कि अब से 10वीं और 12वीं के बोर्ड के एग्जाम्स एक बार नहीं बल्कि साल में दो बार होंगे। नया नियम अगले शिक्षा सत्र से लागू किया जाएगा। हालांकि इस फैसले से स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को जरूर राहत मिलने वाली है, क्योंकि अब बोर्ड के एग्जाम साल में एक बार नहीं बल्कि दो बार होंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक दो हिस्सों में होने वाली बोर्ड परीक्षा में जिस परीक्षा में छात्रों के ज्यादा नंबर आएंगे उसे ही गिना जाएगा। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक 2024-2025 के शिक्षा सत्र में किताबें भी इसी के हिसाब से तैयार होंगी। परीक्षा पैटर्न में इन बदलावों के पीछे मकसद स्टूडेंट्स का आकलन सब्जेक्ट्स की समझ के आधार पर करना और परीक्षा का बोझ कम करना है, ताकि बच्चों का अपने सब्जेक्ट्स पर फोकस बना रहे। अब ये एक्सपेरिमेंट कितना सही है और कितना गलत और भविष्य में इसके क्या नतीजे सामने आएंगे, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दीपक रहेजा, जो कि एक साइकियाट्रिस्ट हैं, रेणु छिब्बर जी हैं जो कि कोऑर्डिनेटर हैं डीएवी स्कूल की, और साथ ही हैं गीतांजलि कुमार जो सीबीएसई टेलीकॉलर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे रेणु जी से। रेणु जी, आप कैसे इस मूव को देखते हैं? मेरे हिसाब से जो ये पहल की गई है उससे मैं पूर्णतः सहमत हूँ। अगर एक ही सिलेबस को दो हिस्सों में बांट दिया जाए तो बच्चों के ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा। जैसे हमारे हाफ ईयरली और फाइनल एग्जाम होते हैं, इसी तरह अगर बोर्ड की परीक्षा को अगर दो हिस्सों में बांटा जाता है तो मुझे ये लगता है कि स्कूल के ऊपर इन्विजिलेशन का काम जरूर बढ़ेगा, लेकिन बच्चों का स्ट्रेस लेवल कहीं ना कहीं कम होगा। बच्चों की रुचि पढ़ाई में ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे कुछ याद करते हैं, वो ज्यादा देर तक उस नॉलेज को रिटेन नहीं कर पाते। तो यहाँ पर बच्चों के ऊपर जो दोहरी मार पड़ती है सिलेबस की, उससे वो शायद बच पाएंगे, ये मेरा मानना है। जी बिल्कुल। तो गीतांजलि जी, आपसे जानना चाहेंगे एक बार क्या क्या बदलाव लाए गए हैं और क्या है ये पूरी पहल, एक बार आप प्लीज अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए। कि साल में दो बार बोर्ड एग्जाम्स लिए जाएंगे और बच्चों के बेस्ट स्कोर को कंसिडर किया जाएगा। बच्चों को 11वीं 12वीं में दो भाषाएं सीखनी होंगी, जिसमें से एक भाषा नेशनल लैंग्वेज में से की लिस्ट में से होनी चाहिए, और बच्चों की टेक्स्ट बुक्स भी इस हिसाब से चेंज की जाएंगी। कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे, रोट लर्निंग पे स्ट्रेस कम होगा, और यहाँ तक कि एग्जाम्स क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए जो लोग अपॉइंट किए जाते हैं और आंसर शीट्स को चेक करने वाले इवैल्यूएटर्स, उन सब की भी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, सर्टिफिकेशंस होंगी, तो वो ये काम कर पाएंगे। ये लगभग कुछ चेंजेस हैं जो सीबीएसई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार उसके स्पिरिट और उसके फ्लेवर को बनाए रखने के लिए ये सब सजेशंस दिए हैं। मैम, तो ये कब से लागू किया जाएगा? देखिए, जो मुझे समझ पता चल रहा है कि प्रेजेंट बोर्ड, जो अगले साल हमारे बोर्ड एग्जाम्स होंगे, उन्हीं में ये चेंजेस आ जाएंगे, क्योंकि मैं भी सीबीएसई के लिए अपनी हेल्पलाइन सर्विसेज एज अ साइकोलॉजिस्ट देती हूँ, सो आई डोंट वर्क विद सीबीएसई, तो मैं उनकी तरफ से तो कोई भी बात नहीं कह रही, लेकिन मैं भी इन चीज़ों से एक सहमति जरूर व्यक्त करती हूँ। लेकिन उसके साथ इस काम को सही स्पिरिट में लाने के लिए हमें बहुत काम करना पड़ेगा, बिकॉज टीचर्स को अपने पेडागॉजी पढ़ाने के ढंग में बहुत चेंज करना पड़ेगा। माता पिता की जो प्रवृत्ति रहती है कि पढ़ो पढ़ो ट्यूशंस, डेफिनेटली उन सब चीज़ों में हमें अपना माइंडसेट बदलना होगा, क्योंकि बच्चे अब नंबरों के लिए नहीं पढ़ेंगे, बच्चे अब सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए पढ़ेंगे, अपना कौशल बढ़ाने के लिए पढ़ेंगे, और उसी कौशल के अनुसार वो आगे की स्ट्रीम्स का सिलेक्शन करेंगे। हाँ, ये भी एक बात कही गई है कि सब्जेक्ट चॉइसेस में भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी बच्चों को मिलेगी। पहले तो हम साइंस स्ट्रीम कॉमर्स स्ट्रीम में बांट देते थे, अब बच्चा अगर भूगोल पढ़ना चाहता है, भूगोल के साथ वह बायोलॉजी पढ़ना चाहता है और साथ में वो एक आर्ट्स पढ़ना सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है, तो उसके पास पूर्णतः फ्रीडम होगी कि वो कुछ भी पढ़े जो वो पढ़ना चाहता है। तो रेणु जी, इट गिव्स बोथ टाइम एंड अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स। मैम, डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बूस्ट अप द एनर्जी लेवल, फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट से दिस, एंड सेकेंडली द जो लैंग्वेज हमारी एड की गई है, अर्लियर तो ये था ना कि एक हिंदी पढ़ते थे, ऑप्शन था हिंदी और संस्कृत में से, द चाइल्ड कैन चूज कुड चूज एनी सब्जेक्ट टू ऑफ देम इन क्लास 10, बट यहाँ पर लैंग्वेज का भी ऑप्शन बच्चों को दिया गया है,
और लेकिन कंपलसरी कर दिया गया है कि क्लास 9th एंड 10th में दो कंपलसरी इंडियन लैंग्वेजेस हो जाएंगी और 11th और 12th में एक हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों के पास चॉइस जरूर ज्यादा है लैंग्वेज के लिए। अगर हम आर्ट की बात करें या साइंस की बात करें तो वो जैसे मैम ने अभी कहा तो वो उनके पास सब्जेक्ट की चूज करने का जो है एरिया जो है वो वास्ट हो गया है। मैं कहती डॉक्टर साहब, आपको भी लगता है कि जब पढ़ाई का दबाव कम होगा तो ये बच्चों के पूर्ण विकास में भी बहुत सहयोगी होगा? देखिए, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। अभी रेणु जी ने और गीतांजलि जी ने जैसा कहा, ये एक बहुत डायनेमिक मूव है जो कि लॉन्ग पेंडिंग थी, और इसको इस चीज को ध्यान में रखते हुए बढ़ाया गया है कि बच्चे का जो जो फोकस है वो नॉलेज पे रहे, अपने आप को एजुकेट करने पे रहे, ना कि सिर्फ रोट मेमोरी या रट्टा मार के उसको एग्जाम में। और उसमें भी चैलेंजेस जो आते हैं, आपका किसी कारणवश उस एग्जाम में आप बहुत बेहतर नहीं कर पाए तो आप मायूस हो जाते हैं, एंड देन दैट्स नॉट ऑलवेज द बेस्ट इवेलुएशन मेथड कि बच्चा कितना पढ़ के आया है। अब जब ये डिवाइड हो जाएगा, एक बच्चे का स्ट्रेस कम होगा, बच्चे को ज्यादा जब एक रिलायंस फील होगी कि वो उसका जो जो मापदंड है वो एक बार नहीं साल में दो बार नापा जाएगा, तो एक तो वो रेगुलरिटी के साथ पढ़ेगा, उसमें तनाव कम होगा, स्ट्रेस कम होगा, और उसको इस बात का एहसास कि कहीं अगर किसी वजह से एक इम्तिहान बिगड़ जाता है तो उसको वो अगले इम्तिहान में मेकअप कर लेता है। तो आई थिंक वो जो जो एक लॉन्गिट्यूडनल पैटर्न है रादर देन जस्ट क्रॉस सेक्शनल कि 3 घंटा आप गए और किसी वजह से आप बीमार हैं, कोई हादसा हो गया, या उस वक्त आप रात में सो नहीं पाए और आपको एक एक ब्लॉक आ गया और आप अच्छी तरह उसको नहीं प्रोड्यूस कर पाए, दैट वुड अफेक्ट योर परफॉर्मेंस। सो आई थिंक इट इज़ अ वेरी वेरी वेलकमिंग मूव जो कि आई थिंक स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए एंड इवेंचुअली ऑल्सो टीचिंग कम्युनिटी के लिए, बिकॉज वी विल बी एबल टू इनकरेज दी चिल्ड्रन ताकि वो ट्रू असेंस में नॉलेज को इम्बाइब करने की कोशिश करें, जो कि मेरे अनुसार एक एक मेजर गोल होता है किसी भी एजुकेशन का। तो गीतांजलि जी, जो दो टर्म में एग्जाम्स होने की बात हो रही है, तो मान लीजिए अगर टर्म वन में अच्छा नहीं आया तो क्या हमें सारे सब्जेक्ट्स के एग्जाम देने पड़ेंगे या सिर्फ जिस सब्जेक्ट में नहीं अच्छा आया है वही उसी के लिए हमें अपेयर होना पड़ेगा? देखिए, एकेडमिक सेशन 2024 से ये शुरू होगा। माइनर न्यू फाइनर न्यूएंसेस हमारे पास आएंगे, लेकिन जब हम ये कह रहे हैं कि बच्चों को बोर्ड एग्जाम दो बार देने की फैसिलिटी मिलेगी तो डेफिनेटली जिसमें स्कोर अच्छा आया उसको वो रिटेन कर सकते हैं। और जेई में भी हम ये देख रहे हैं कि जेई के पैटर्न में भी उन्होंने ये चेंजेस लाए हैं, और भी बाहर के एग्जाम जो बच्चे देते हैं वहाँ पर भी वो एग्जाम रिपीट करते हैं और जो बेस्ट स्कोर होता है उसको कंसिडर कर लेते हैं। और या एक फैसिलिटी आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद अगर मेरे दो सब्जेक्ट्स के स्कोर्स बहुत अच्छे हैं, मेरे तीन के अच्छे नहीं है, तो मैं नेक्स्ट टाइम वो तीन दे सकता हूँ टू इम्प्रूव अपॉन द थ्री। सो आई एम लुकिंग एट इट कि शायद ऐसी भी कुछ प्रोविजन आ जाए जिससे बच्चे टोटली स्ट्रेस फ्री हो जाए और एक्चुअली पढ़ने के लिए पढ़ें, जानने के लिए पढ़ें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चे जो हैं वो एक्चुअली में नॉलेज तो लें लेकिन नॉलेज का एप्लीकेशन वाला जो हिस्सा है जो एक्चुअली प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हमें ज़रूरत होती है वहाँ पर जो हम एक डेफिशिएंसी महसूस करते थे वो डेफिशिएंसी अब हम भर पाएंगे, क्योंकि बच्चों को पढ़ाया भी उसी तरीकों से जाएगा और बच्चों को इवैल्यूएट भी उसी तरीकों से किया जाएगा जिसमें कि बच्चे ने जो ज्ञान प्राप्त किया है वो उस ज्ञान से अब करता क्या है, उस ज्ञान को आगे अप्लाई कर सकता है, और जो एक क्लास की लर्निंग है वो नेक्स्ट क्लास की लर्निंग में कैसे मदद देती है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही मैम कि आजकल बच्चे मार्क्स पाने के लिए ज़्यादा पढ़ते हैं बशर्ते कि नॉलेज लेने के लिए, तो शायद इस पहल से इस चीज़ में ज़रूर फ़र्क आएगा और बच्चे उस पर ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। एक और ख़ास बात यह है कि मान लीजिए हमने एक टर्म का एग्ज़ाम दिया, मार्क्स अच्छे थे लेकिन हमें लगता है कि हम और बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, और हमने दूसरा भी दिया, तो जो हमारा बेटर होगा हम उसको ले सकते हैं, या फिर अगर हमने दूसरा दे दिया तो वील हैव टू गो फॉर दैट? नो नो नो, बेस्ट स्कोर कैन बी रिटेन, ये बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है, जो भी अब हमारे पास इस वक्त तक की इंफॉर्मेशन आ रही है उसमें ये कैटेगोरिकली लिखा है द बेस्ट स्कोर कैन बी रिटेन। रेनू जी, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है इस पर? सभी पेरेंट्स से तो कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा, जिनसे हम पर्सनली जानते हैं उनका यही है कि ये जो पहल है CBSE की तरफ से जो की गई है उससे वो पूर्णतः सहमत है। अब उनको ये लगता है कि हमारे टाइम का जो बर्डन हम लोगों पे था वो शायद बच्चों के ऊपर नहीं है। 2005 एजुकेशन पॉलिसी के बाद से लेके अब तक बहुत चेंजेस आए हैं। CCE पैटर्न पे भी बच्चों ने काम किया, वो भी पैटर्न सही रहा, लेकिन
आपस में विरोधों के चलते बहुत सारे बदलाव किए गए, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर ये जो चेंजेस किए गए हैं, मेरे हिसाब से शायद पेरेंट्स को भी बहुत ज्यादा पसंद आने वाले हैं। क्योंकि होता क्या है कि जब बच्चे के ऊपर ज्यादा सिलेबस का बर्डन होता है, तो बच्चा कहीं ना कहीं बिल्कुल दबाव डेफिनेटली पेरेंट के ऊपर भी आता है, बच्चे के ऊपर भी आता है, बच्चे की सेहत भी इसकी वजह से इफेक्ट होती है, ये मेरा मानना है। मैं भी मदर रही हूँ, बच्चे बड़े हो चुके हैं लेकिन अभी भी फील कर चुके हैं बच्चे खाना टाइम पे नहीं खाते, अभी इतने चैप्टर रिवाइज करने हैं, इतना सिलेबस कवर करना बाकी है। तो यहाँ पर जब हम सिलेबस को दो डिवीजन में बांट देंगे, और यहाँ पर जो अभी एक न्यू प्रोविजन है लैंग्वेजेस बढ़ाने का, बिल्कुल 6 to class 10 तक जो 3 languages का न्यू जो प्रोविजन है, उसके लिए हमारे पास बहुत बड़ा चैलेंज आना आने वाला है। टीचर्स भी कहाँ से लाएंगे? हाँ मैम, ये जो आपने कहा ये भी मैं चाहती हूँ आप जरा इसको इलैबोरेट कर दीजिए कि दो लैंग्वेजेस हमें पढ़नी है जिसमें से एक इंडियन लैंग्वेज रहेगी, तो कैसे ये मिक्स एंड मैच होगा? मैम, एक इंग्लिश हो जाएगी, एक हिंदी हो जाएगी, एक मदर टंग, अच्छा एक मदर टंग, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी चाहती है कि हर स्टेट में उस लैंग्वेज से पढ़ाया जाए जो वहां की प्रांतीय या क्षेत्रीय भाषा है। अच्छा तो हम उस पर कोई भी स्कूल एक हिंदी भाषा लेता है, एक हिंदी भाषा लेता है। अब जैसे यूपी है, तो यूपी में हम कौन सी भाषा लेंगे, तीसरी अगर भाषा लेते हैं तो? ये सभी स्कूलों के लिए एक चैलेंज होने वाला है, ये मेरा मानना है। तो मैं गीतांजलि मैम को चाहूंगी अगर वो इसके ऊपर कुछ प्रकाश डाल पाए। देखिए, मैं चैलेंज तो डेफिनेटली होने वाला है, और इस चैलेंज को जब हम मीट करने का समय आएगा तभी कुछ चीज़ें ज़्यादा क्लैरिटी होंगी, क्योंकि दो लैंग्वेज में हिंदी के साथ कोई जो अब स्कूल में के पास फैकल्टी कितनी कौन है, कौन से सब्जेक्ट मतलब कौन सी भाषा पढ़ाने के लिए हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, बच्चे कौन से किस लैंग्वेज का चुनाव कर रहे हैं, क्योंकि अगर 15 तरह की लैंग्वेजेस के चुनाव आ गए तो 15 टीचर्स रखना तो स्कूल के लिए पॉसिबल नहीं बहुत होगा। मुश्किल। कहीं ना कहीं किसी तरह के गठबंधन होंगे, किसी तरह के मतभेद भी आएंगे, और फिर कहीं जाके कोई कंसेंसस बनेगा। बट डेफिनेटली देख, एक चेंज का वातावरण है, चेंजेस आ रहे हैं, और जो इस वक्त भारत की एक पोजीशन है कि पूरे विश्व की निगाहें भारत पर लगी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं हमने वो ग्लोबल मापदंड को अचीव भी करना है जो हमसे एक्सपेक्टेशंस है ह्यूमन पोटेंशियल की एक्सेलेंस के, उनको अचीव करने के लिए ये चर्निंग प्रोसेस से तो हमें गुजरना होगा, और हम सबको कुछ कुछ परेशानियों को झेलना भी होगा फॉर द लार्जर गुड एंड द वेलफेयर ऑफ आवर फ्यूचर जनरेशन। आप ये देखिए, अभी आप बोल रही हैं अभी ये लागू नहीं हुआ, उसके पहले ही तमिलनाडु और केरल की सरकारों ने कह दिया कि हम इस नई राष्ट्रीय नीति को लागू नहीं करेंगे। कर्नाटक भी यही कह रहा है। जब भी कोई चीज आती है उसके लिए फॉर और अगेंस्ट की बातें तो हमेशा चलती हैं, और हमारे बहुत सारे एप्रीहेंशंस होते हैं जिसकी वजह से हम लोग रेजिस्टेंस भी देते हैं। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी भी है, वो आएगी, वो प्रवृत्ति तो दिख रही है, लेकिन हमें इसके बियॉन्ड जाना है, क्योंकि इससे हमें दिख रहा है कि आने वाले टाइम में हमारे बच्चे बेटर इक्विप्ड होंगे। जी डॉक्टर दीपक, जिस तरह से बच्चों में आजकल आए दिन डिप्रेशन स्ट्रेस की खबरें आती रहती हैं, तो आपको लगता है कि ये जो फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है इससे इन चीज़ों में भी कमी आएगी? कि निश्चित रूप से अगर बच्चा अपने करिकुलम को बेटर मैनेज कर पाएगा, अगर उसकी पढ़ाई के जो गोल्स हैं उनको बेहतर समझ पाएगा, और उसके ऊपर एक पहाड़ का सा बोझ नहीं होगा, बिकॉज अक्सर बच्चे ये करते हैं कि अगर फरवरी में एग्ज़ाम है दिसंबर तक उतना ही पढ़ते हैं, और 2 महीने में इतना प्रेशर ले लेते हैं कि फिर अवसाद, डिप्रेशन, एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब उनको भी अगर डिफाइंड रहेगा कि साल में 2 बार वो इम्तिहान होंगे, तो वो अपने करिकुलम को जब उस हिसाब से डिवाइड करके चलेंगे तो उनका भी एक दायित्व बन जाएगा कि उनको पढ़ने से ज्ञान लेना है। द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू गेट द नॉलेज। जहाँ कहीं बच्चे मिस कर रहे हैं, आपने भी ये बात कही कि आजकल सिर्फ एक होड़ ये हो जाती है कि कितने परसेंट नंबर आएंगे, और जब वो सिर्फ एक इम्तिहान पर निर्भर होते हैं तो मुझे लगता है उसका प्रेशर, डमी स्कूल और कई कई तरह की, अभी कोटा में हमने हादसे सुने, तो एक एक माहौल इस तरह से बन जाता है जहाँ पे बच्चा अपने मेंटल मानसिक स्वास्थ्य को संभाल नहीं पाता और वल्नरेबल हो जाता है,
डिप्रेशन एंजाइटी के प्रति। अक्सर बच्चे जो है फिर सुसाइडल भी हो जाते हैं, आत्मघात की भी बातें करते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत प्रोग्रेसिव नीति है और लार्जर कोई भी बदलाव आएगा उसमें रेजिस्टेंस जरूर होगी, लेकिन उसको लागू होने में समय भी लगेगा, कई स्टेट्स मना भी करेंगी, लेकिन जब अपनी ट्रू स्पिरिट में मुझे लगता है ये इम्प्लीमेंट होगी तो आगे चल के बच्चों के विकास के लिए, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए और उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। और जैसा अभी अभी दोनों मेरे कलीग पैनलिस्ट बता रहे थे कि एप्लीकेशन ऑफ व्हाट दे हैव लर्न वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जहाँ ये बात हम सुनते थे अमेरिका के स्कूल या कॉलेज दिया करते थे कि आप एक आर्ट्स का सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं, एक बायोलॉजी का, आज जब हम डिग्निटी ऑफ ऑफ वर्क की बात कर रहे हैं, इतने प्रोफेशंस और अपॉर्चुनिटीज खुल गए हैं, तो अगर मैं शेफ बनना चाहता हूँ लेकिन उसके साथ मेरा इंटरेस्ट बायोलॉजी में भी है तो मुझे वो पढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। व्हाई शुड दी 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 करिकुलम बी सो ट्यूबुलर एंड सो डायकोटमाइज्ड कि मैं एक ब्रॉडर विजन में उसको ना देख सकूं। मुझे लगता है पेरेंट्स की भी काउंसलिंग जरूरी है, शिक्षा नीति में बदलाव तो ठीक है, क्योंकि कभी कभी ये भी हो सकता है कि पेरेंट्स का ये भी प्रेशर हो कि भाई दो टर्म के बाद भी तुम नहीं अच्छे नंबर ला पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं थोड़ा प्रेशर और भी बढ़ सकता है। माँ बाप को तो समझना ही होगा, क्योंकि माँ बाप भी क्या करें, अब कॉलेज में एडमिशन लेना है तो कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है कि उसी स्ट्रेस में बैठे रहते हैं और वो अपना स्ट्रेस पास ऑन करते हैं बच्चों के पास, तो मुझे लगता है अब उनकी काउंसलिंग भी जरूरी है। अपॉर्चुनिटी काफी खुल रही है, सिर्फ अब हम कुछ चंद कॉलेजेस पे निर्भर नहीं है और देखिए कई बड़े बड़े दिग्गजों ने, कॉर्पोरेट्स ने ये कहा है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी ये कहा है कि आने वाला जो जो डेकेड है वो स्किल की एप्लीकेशन का होगा, वो सिर्फ डिग्री का नहीं होगा। लोग बहुत, आपके एम्प्लॉयर्स ये नहीं जानना चाहते कि आपने कितने बड़े इंस्टीट्यूट से डिग्री की है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, कितना आप समझ पा रहे हैं और कहाँ अपना एक एक संस्था में स्थान बना पा रहे हैं, विच आई थिंक विल ऑटोमेटिकली बिकम बेटर जब आपको एक होलिस्टिक अंडरस्टैंड होगी ऑफ दी करिकुलम दैट यू आर ट्राइंग टू रीड। तो आप पढ़ रहे हैं सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि आपको इम्तिहान को पास करके नंबर लाने हैं, आप इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपकी उसकी एप्लीकेशन को भी कहीं ना कहीं आंका जाएगा, सो ऑटोमेटिकली दी लर्निंग विल बी मोर होलिस्टिक, मोर ब्रॉड बेस्ड। ट्रू। रेनू जी, जैसा कि एक नया नियम और आ रहा है, वैसे तो शायद अब स्कूल्स इस पे ध्यान भी देते हैं कि 40 से 45 बच्चों से ज़्यादा एक सेक्शन में अब नहीं रहेंगे, क्योंकि ज़्यादा होते हैं तो उस पर टीचर्स ध्यान नहीं दे सकते हैं, तो आप लोग क्या पहले से इस पर ध्यान दे रहे थे या अब ज़्यादा ध्यान देंगे? कोविड टाइम के बाद से अगर मैं बात करूँ, मैं DAV में हूँ, तो हमारे यहाँ वैसे भी 40 से 45 के बीच में ही संख्या रहती है, इससे ज़्यादा बच्चे नहीं होते। लेकिन जो CBSE का ये सर्कुलर है, हमें 3 साल का समय दिया गया है कि 3 साल के समय में हमें अपनी जो स्ट्रेंथ है हर क्लास में 40 करनी है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ानी। लेकिन अगर हम व्यक्तिगत रूप से इस बात की हम इसका इंस्पेक्शन करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, तो 40 भी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। अब ये देखिए, जो बड़े रिनाउंड स्कूल हैं, मैं ब्रांडेड स्कूल की बात करूं, वहां तो 12 से लेके 20 तक की स्ट्रेंथ है, वहां टीचर इंडिविजुअल अटेंशन भी दे पाती है। लेकिन CBSE ने जो 40 का नियम बनाया है वो हर स्कूल को पालन करना चाहिए और हम भी इसका पालन करेंगे। जो थोड़े बच्चे ज्यादा हैं उसको 40 तक लाने की सीमित हम भी कोशिश कर रहे हैं, बट 40 तक बच्चे जो है वो क्लास में आराम से टीचर मैनेज कर पाती है, इंडिविजुअल अटेंशन भी दे पाती है। और हमें, हम जितने भी स्कूल दें सबको चाहिए कि जो भी गाइडलाइन हमें CBSE की तरफ से आती है, लेकिन हाँ कहीं कहीं प्रॉब्लम हमें ये आएगी कि जहां पर 45 या 46 की स्ट्रेंथ है, किसी कारणवश अगर वहां से बच्चे उस सेक्शन से नहीं जाते, तो क्या 15-20 बच्चों के लिए स्कूल के लिए नया सेक्शन बनाना, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर देना क्या स्कूल के लिए पॉसिबल है? अगर मेरे पास, मैं हर क्लास में 40 बच्चे करती हूँ, मेरे पास 20 बच्चे एक्स्ट्रा बच गए, तो क्या स्कूल के पास इतने रिसोर्सेज हैं? क्योंकि अगर मैं क्लास 5 की बात करूं, हर क्लास 5 में इंग्लिश की टीचर अलग है, हिंदी अलग है, लैंग्वेज टीचर अलग है, हिंदी साइंस SST, तो उस क्लास के लिए मैं कैसे प्रबंध करूंगी? तो कहीं ना कहीं जो हमें 3 साल का समय दिया गया है उसमें हर स्कूल इस नियम को पालन करने की कोशिश अवश्य करे। रेनू जी, अफसोस नहीं होता कि काश हम लोग के समय भी ये बदलाव हो गया रहता तो हम लोग के पास भी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट होता? मुझे कभी अफसोस नहीं हुआ, लेकिन
मैं ये गर्व महसूस करती हूँ कि जो कुछ हमारे समय में नहीं होता था, वो हम देख रहे हैं, हम बच्चों के साथ करता हुआ देखते हैं, बच्चों के साथ करता देखते हैं। जैसे हमारे जमाने में कंप्यूटर नहीं होता था, कभी रिग्रेट नहीं रख किया, लेकिन बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते सीखा और उनको सिखाया। बिल्कुल, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो गीतांजलि जी, इसमें स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट काफी ज्यादा है। आपको नहीं लगता है कि इन सारी चीजों को हमें राजनीति से ऊपर उठ के देखना चाहिए, जो क्योंकि ये बच्चों के हित में है? डेफिनेटली देखना चाहिए। मैं अभी आप लोग की बात सुन के मुझे यही ख्याल आ रहा था कि अक्सर दिल दहल जाता है जब मैं भी सुनती हूँ हेल्पलाइन पर या अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में, आई एम गिविंग अप, इट इज़ टू मच फॉर मी, मुझसे नहीं हो रहा। ये जो एक वाक्य एक बच्चा बोलता है स्कूल का, कॉलेज का, किसी भी कक्षा का, तो ये कहीं ना कहीं एक विवशता ही तो सिस्टम की दर्शाता है। अब कम से कम उस बच्चे को एक राहत का एहसास मिलता है। यस, जरूरत होगी सेल्फ डिसिप्लिन की, जरूरत होगी टाइम मैनेजमेंट की, जरूरत होगी एक मार्गदर्शन की कि मुझे कैसे प्लान करके पढ़ना है। माता पिता को भी बच्चे के साथ बहुत, एक कहते हैं ना, एक सुपरविजन का रोल है, एक रोल मॉडलिंग का रोल है। बच्चों का हम उनका मार्गदर्शन करेंगे कैसे, ताकि हम बच्चों को अपना टाइम स्पैन बांटना सिखा सकें, मोटिवेट कर सकें। ये बड़ी चीज़ें ज़रूरी हैं जो होनी है, और उनको स्कूल में, स्कूल का भी अपना एक रोल है ये सब अदा करने के लिए। क्योंकि जब ये शिक्षा नीति बदल रही है तो पढ़ाने के ढंग भी बदल रहे हैं। हम कह रहे हैं टेक्स्ट बुक्स में भी बदलाव आएंगे। अब नई शिक्षा नीति कहती है भारतीयता की बात कीजिए, भारतीयता को पढ़ाइए। अब भारतीयता को पढ़ाना कैसे है, पहले शिक्षक को भी तो भारतीयता समझ आनी चाहिए ना। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रही हूँ, हम कहते हैं नैतिक मूल्यों की बात कीजिए, वैल्यू एजुकेशन दीजिए। वैल्यू एजुकेशन तो व्यवहार में झलकेगा। तो ये जो चेंजेस मिनिस्ट्री हमें बता रही है, ये एक डॉक्यूमेंट के रूप में तो आ जाएंगे, जब तक ये हमारी डे टू डे लाइफ माइंडसेट का हिस्सा नहीं बनेगा, डे टू डे हमारे लाइफस्टाइल में नहीं आएगा, हम शिक्षा नीति के साथ कोई भी न्यायपूर्वक काम नहीं कर पाएंगे और हम अपने बच्चों के लिए कुछ भला नहीं कर पाएंगे। सो एवरीबडी विल हैव टू स्टार्ट रियलाइजिंग द कॉन्ट्रीब्यूशन विच एवरी इंडिविजुअल इज गोइंग टू मेक इन इट। हम सबको इस यज्ञ में एक आहुति देनी है, हर बंदे की एक जिम्मेदारी बनेगी, तभी जाके हम अपने बच्चों को मोटिवेटेड भी रख पाएंगे पढ़ने के लिए और कौशल सीखने के लिए। मैं मानती हूँ कि स्किल बेस्ड जमाना होने वाला है। आप क्या कर सकते हैं, आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है जो आप टेबल पे लाएंगे, आपको क्या करना आता है, ये जरूरी हो जाएगा। तो ये बच्चों को सिखाने के लिए हम कितना एक्सपीरियंशियल लर्निंग एक्सपीरियंस उनको देंगे। मैम, आपने बहुत ही अच्छी बात कही, बहुत ही अच्छी तरह से ये समझाया, बहुत ही अच्छी तरह समझाया। और मुझे लगता है जैसा आप कह रही हैं, ट्रांजिशन फेज में, शुरुआती दौर में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन एक बार जब ये पूरी तरह से लागू हो जाएगा, पूरा सिस्टम इससे वाकिफ हो जाएगा, तो ये बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। डॉक्टर साहब, आपसे एक आखिरी स्टेटमेंट, आप बच्चों और पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? मेरा एक ही सुझाव होगा कि इसको कोई भी चेंज जो है वो एक दिमाग में अटपटाहट ला सकता है, तो थोड़ा सा रिलैक्स होके ओपन माइंड से इसको समझिए। ये सारी जो चेंजेस रिकमेंड किए गए हैं आपकी बेहतरी के लिए हैं, और लॉन्ग रन में आप देखेंगे कि आप इसको बहुत बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई में इम्प्लीमेंट होता हुआ जब देखेंगे तो आप बेहतर महसूस करेंगे, आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट बेहतर होगी, मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, और शायद ये जो तनाव के किस्से हमारे सामने आते हैं अक्सर, इनमें मैं उम्मीद रखता हूँ कि बहुत गिरावट आएगी। सो आई थिंक इट इज़ समथिंग दैट नीड्स टू बी वेलकम्ड विद अ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दी चेंजेस दैट इट प्रॉमिसेस टू ब्रिंग। चलिए, आप बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।